कुशल बाबा की। बाबा जी आप इतना हिल क्यों रहे हो? आज हमने सुबह लोकल ट्रेन में सफर किया था बिना टिकट के। पर बाबा जी बिना टिकट के क्यों ट्रेन में सफर किया? वो क्या है, स्टेशन पे लिखा हुआ था किसी अनजान आदमी से कुछ न लें, और मैं टिकट वाले को नहीं जानता था। बाबा जी आप इतने अमीर हैं, इतने रिच हैं, आप अपनी गाड़ी में ट्रैवल क्यों नहीं करते हैं? देखो ट्रेंडी, अमीरी इस बात पे नहीं होती कि आदमी के पास गाड़ी है कि नहीं, अमीरी इस बात पे होती है उसमें पेट्रोल कितने का डलवाता है। चलिए बाबा जी आज का प्रवचन स्टार्ट करते हैं। बताइए आज किसकी क्या समस्या है जी? बताइए। मेरी समस्या ये है कि जब भी मैं घर से बाहर निकलता हूँ तो समय से मुझे ऑटो नहीं मिलती। तो बाबा खुद ऑटो चला के आ जाए क्या? बाबा जी लेकिन इस समस्या का आपसे समाधान चाहते हैं। रैंडी हाँ जी, इसे हीरा अरोड़ा का नंबर दे दो। ओके। बाबा जी ये कोई ड्राइवर है? नहीं नहीं, ऑटो भाड़े पे देता है। ऑटो चलाओ और ऑफिस जाओ, और अगर सवारी मिल जाए तो पैसे भी कमाओ। और कभी कभी आशीर्वाद लेने हमारे पास आओ और हमें भी घुमाओ। बोलो सोशल बाबा की। हाँ तो किसी और भक्ति कोई समस्या? बाबा जी हमारा फोन ऑटो में रह गया है। 100 नंबर। पर 100 नंबर क्यों बाबा जी? पुलिस केस है उस पे डायल करो। बाबा पुलिस के पचड़े में नहीं पड़ता, वहाँ बहुत पड़ती है। अपने घर वालों को बताओ ना इसके बारे में। क्योंकि मैं घर वालों को नहीं बता सकती हूँ। क्योंकि फोन हमारे बॉयफ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था। तुम्हारे घर वालों को नहीं पता कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? नहीं। फिर तो आसान है, बॉयफ्रेंड से कहो नया फोन ले दे। अगर नहीं लेके देगा तो नया बॉयफ्रेंड फिर। हाँ तो किसी और की कोई समस्या जी? कहिए। प्रणाम बाबा जी, मैं चाहता हूँ कि मैं ट्रेन में सफर भी करूँ और टिकट भी ना लूँ और पकड़ा भी ना जाऊँ। ऐसा करो, जब भी ट्रेन में सफर करने बैठो 5 लीटर पानी पी के जाया करो। वो तो डेली पीता हूँ। तो फिर बाथरूम के अंदर ही रहा करो। बोले सोशल बाबा की। चलिए चलते हैं बाबा जी। आज का विचार दे दूं? हाँ, पर बाबा जी आज का विचार मैं दे दूं? चलो। थैंक यू सो मच बाबा जी। तो हाँ, नेटवर्क की कृपा उन सब पे बनी रहेगी जो सोशल बाबा का नाम दिन रात रटेगा। बस सवारी पे चढ़े या सवारी बस में, हर हाल में टिकट सवारी का ही कटेगा। मीठा खाने से प्यार बढ़ता है। ए बबूचक, झूठा खाने से प्यार बढ़ता है। तभी मैं कहूँ बीवी और कुत्ता दहेज में साथ में है, मेरा प्यार ज्यादा कुत्ते के साथ क्यों है? इसका मतलब है कि आप अपने कुत्ते को झूठा खाना खिलाते हैं। वाह। नहीं नहीं वकील साहब, मेरी घरवाली मुझे कुत्ते का झूठा खिलाती है। रुक जाओ। बेटा आपकी शादी तो वैसे भी नहीं हो सकती क्योंकि आप अंडर एज हो, ये कानूनन अपराध है। मेरी शादी इस कमीने से हो चुकी है। तो घरे में आओ। आप पर ये इल्जाम लगाया गया है कि आप अपने पति को कुत्ते का झूठा फूड खिलाती हैं। ये कमीना मेरे भाई को कुत्ता बोल रहा है। तो इसका मतलब आप अपने भाई का झूठा खाना इनको खिलाती हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं अपने पप्पी को भाई बोलती हूँ। तो घुमा फिरा के बात मत कीजिए, यानी कि ये इल्जाम आप पर साबित हो चुका है। सुनिए, ये सब मुझे करना पड़ता है क्योंकि मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। आप पर इल्जाम है कि आप अपनी इतनी छोटी सी वाइफ को भी प्यार नहीं करते जिसका इतने से प्यार में काम चल जाएगा। यार अपनी बीवी से कोई प्यार करता है? आप करते हैं बताओ, करते हैं? लेकिन वाइफ के साथ प्यार का झूठा नाटक भी तो किया जा सकता है, आप तो वो भी नहीं करते प्ले? नाटक तो मैं जोरदार करता हूँ, नाटक नाटक के चक्कर में तो 6 बच्चे हो गए। आज सुबह डॉक्टर का फोन आया फिर प्रेग्नेंट है ये, बताओ और कितना नाटक करूं? ओ आप इधर आइए, आपको एक बात बताती हूँ। आपको ना मैं एक सीक्रेट बात बताती हूँ, किसी को बताइएगा नहीं, सीक्रेट है। मुझे ना लगता है इसका 3-4 लड़कियों से अफेयर चल रहा है। भाई साहब ये क्या चीज है? अदालत में आपके ऊपर इल्जाम लगाया गया है कि आपका अपनी शादी होने के बावजूद ही अफेयर चल रहा है। आओ। कब तक आदमी घर में तवा चपाती खाएगा?
बार बटर चिकन बटर नान खाने का मन कर पड़ता है आदमी का। लेकिन लेकिन बटर चिकन के साथ साथ आप रायता सलाद और यहाँ तक कि डेजर्ट भी खाते हैं, हैं? आप जैसे कैरेक्टरलेस लोगों की वजह से हम लोगों को कितने कैरेक्टर करने पड़ते हैं। सुनिए मेरी बात, कल क्या हुआ ना, मेरी सहेली हमारे घर में आई तो हमारे बीच में बैठ गए। मैंने कहा जाओ भाई, ऊपर से मुझे बोल रहे हैं तू जा तेरी दाल गल जाएगी। मैंने भी कहा दाल तो आज सड़ जाए पर इसकी दाल नहीं गलने दूंगी मैं। और मुझे ना छोड़ने से याद आया, मुझे लग रहा है उसी के चक्कर में ये मुझे छोड़ना चाहते हैं। यार साहिबा एक यही औरत परेशान है, पूरा बाकी मोहल्ला खुश है, मुझसे पूछ लो जाके। आप ये बताइए कि क्या आप इनको धोखा दे रहे हैं, यस और नो? वकील साहब धोखा तो मेरे साथ हुआ है, माई फोन की रिंगटोन सुनाकर चाइनीज फोन पकड़ा दिया। मुझे बोले लड़की सुंदर सुशील है, चलो सुशील तो शादी के बाद हो गया, सुंदर का टीडीएस काट लिया इसके बाप ने। ये बीवी है बताओ, अब पुलिस पोलियो वाले आते हैं इसको बूंद पिला के चले जाते हैं। आदमी शादी के बाद बच्चों को पालता पोसता, मैं इसको पाल पोस रहा हूँ। वकील साहब उनकी बात तो आपने सुन ली, अब मेरी बात सुनिए। एक मिनट, शादी से पहले तो इन्होंने भी कहा था मुंबई में मेरा फ्लैट है, और बाद में फुटपाथ दिखा के बोल रहे देख कितना फ्लैट है। बदतमीज पगलोल आदमी। एक्सक्यूज मी, अब जस साहिबा Yes. थोड़ी सी फ्री हैं आप? क्यों? बस थोड़ी सी शादी करनी थी। थोड़ी सी शादी? नहीं नहीं, वो थोड़ी तो मैंने इसके साथ की थी, आपके साथ पूरी करूंगा। ए! मैडम से शादी? हाँ। और इसकी शादी में भाला। ये जिंदगी हो गई है हमारी, कहाँ जाएं कहाँ नहीं समझे में नहीं आता है, और ये जो हमारी बहू है जानबूझ के रास्ते में ब्रेकर बना देती है ताकि बुढ़ऊ गिर जाए और उड़ जाए। अरे बहू, एक तो जब भी कहीं जाने लगो इनका बहू 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 शुरू हो जाता है। क्या है, कभी तो थोड़ा आराम कर लिया करो। ये कहाँ से आराम करे, हम तुम्हारे बाप के साथ थोड़ी है जो बुढ़ापे में 19 साल की लौंडिया लाए। खबरदार जो मेरे पापा के बारे में कुछ भी कहा तो। अच्छा तो तुम्हारी अम्मा के बारे में कहें? हाँ उनके बारे में कह सकते हो। नहीं नहीं नहीं, उनके बारे में भी नहीं कह सकते। अरे तुम्हारे बाप के बारे में कहें नहीं, अम्मा के बारे में कहें नहीं, तो बुढ़ापे में फ्रस्ट्रेशन किस पे निकालें? आपको जो कुछ भी कहना है ना वो आप कटघरे में जाके कहें। हम मजाक कर रहे थे, मजाक कर रहे। सुनो बहुत जोर से भूख लगी है, पिज्जा वाले का नंबर मिल नहीं रहा है, तुम जरा खीर बना के लाओ। नहीं बना सकती, चावल खत्म है। अच्छा तो कोई बात नहीं, पराठे बना दो। वो मुझे बनाने नहीं आते। तो मुंह बना ले, वो तो बनाना आता है ना। हाँ सारा दिन सेल्फी में मूवी तो बनाती हूँ, अभी दिखाती हूँ आपको। आजा जल्दी करिए ना। ओहो मुंह भी कच्चा बनाया है तूने, दो सीटी और लगा। जैसे जैसे आपकी उम्र कम हो रही है ना वैसे ही वैसे आपका मजाक बढ़ता जा रहा है। कोई बात नहीं, अभी आपको दिमाग ठिकाने लगा देते हैं। दीपक दीपक। पिताजी आप बताइए आप चाहते क्या हैं? बेटा चाहता तो मैं एक और पोता हूँ जो तुमसे हो नहीं रहा है। तो पिताजी आप कर लो। बेटा फसल तो हम उगा ले पर खेत कहाँ से लाए? और वैसे भी बेटा हम तुम दोनों का मुंह देखने के लिए यहाँ नहीं है, हमारा जो प्यारा पोता है बस उसको देखता हूँ तो मेरा मन करता है मैं इस घर से कहीं ना जाऊँ। अच्छा पिताजी एक बात रही। हाँ। अगर आपका प्यारा पोता जो है हाँ। आपको कह दे जाने के लिए तो चले जाएंगे? बिल्कुल चला जाऊंगा। हाँ? अरे आप तो मतलब ठीक है, आंखें फाड़ के क्या देख रहे हो? हम सिर्फ पैरों पे खड़े ही नहीं हो सकते हैं बल्कि हम डांस भी कर सकते हैं। दीवानों मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूं कौन? हमें तो देख के हैरानी हो रही है, स्पोर्ट्स कार बनाने वाली कंपनी स्पोर्ट्स टॉयज भी बनाती है। मेरी बात सुनो, मेरी हाइट के बारे में कोई बात नहीं करनी। अच्छा? नहीं तो मैं कंधे पे बैठ के गर्दन पे काट लेता हूँ, मैं बता दूं मैं आपको। जटायु को किसने मारा था? मैंने नहीं माला, इस लाजू ने माला, ये सब तो मालता लेता है। सर मैंने नहीं मारा, सर मुझे कसम विद्या की। खबरदार अगर मेरी गर्लफ्रेंड विद्या की कसम खाई तो।